हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टार से 999 डिवाइन हीलर टैरो पे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं वापस एक रीडिंग, रिक्वेस्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर आपके साथ कैसे रहेगा। ठीक है, वो लॉयल रहेंगे, फ्लर्टी रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली जो टॉपिक रहेगा कि उनका नेचर आपकी तरफ कैसे रहेगा। ठीक है, एज यूजुअल आपके बर्थडेट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, पिक कर लीजिए आपका जो बर्थडेट रहेगा, फिर हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर आपकी तरफ कैसे रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं पाइल वन से, जो कि ये है पाइल वन। तो चलिए, अगर आपके बर्थ डेट्स इस लिस्ट में आते हैं, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर आपके लिए कैसा रहेगा। वो लॉयल रहेंगे, फ्लटी रहेंगे, ओवरऑल हम उनकी नेचर के बारे में आज जानने वाले हैं। तो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइए कि पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा। ओके, ओवरऑल नेचर बताइए गाइस, ओवरऑल नेचर बताइए कैसा रहेगा फ्यूचर स्टार्स का नेचर फॉर पाइल वन। किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यहां बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पे पाइल वन के लिए कार्ड्स देखी, यहां पे टू नाइट्स है, टू नाइट के कार्ड्स है, टू क्वीन के कार्ड्स है। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, ओके, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो रहेंगे ना गाइस, पाइल वन के जो रहेंगे, वो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है फायरी तो एनर्जी रहेगी ही रहेगी उनमें। ठीक है, ट्रस्टवर्थी रहेंगे, लॉयल रहेंगे, बहुत ही प्यारे पर्सन रहेंगे, आपको बेहद प्यार करने वाले रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज दोनों भी कार्ड्स क्वीन के हैं। ठीक है, तो क्वीन की एनर्जी आपको पता है फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर रहेंगे उनका जो नेचर रहेगा थोड़ा सा फेमिनाइन हो सकता है। फेमिनाइन ऐसा नहीं है कि फीमेल रहेंगे, फेमिनाइन जो रहता है वो नेचर रहता है, बर्ताव रहता है। ओके, तो हो सकता है वह थोड़े से रोने वाले इंसान भी रहेंगे, तो अगर उनमें कुछ दर्द है, कुछ पेन है, तो डेफिनेटली वो रोया करेंगे। ओके, वो जो अपने पेन दर्द है वो छुपा कर नहीं रह सकते हैं, जैसे हम फीमेल्स रहते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेहद प्यार करने वाले हैं, बिकॉज टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे इंसान रहेंगे, लॉयल रहेंगे, नेचर से जुड़े हुए रहेंगे, हमेशा जो भी काम करेंगे अपने दम पर करेंगे गाइस। ओके, कभी किसी का सहारा नहीं लिया होगा उन्होंने। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके मॉम के ज्यादा करीब रह सकते हैं वो। ओके, तो ममाज बॉय नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन हाँ कि मॉम के ज्यादा लाडले रहेंगे या फिर मॉम से ज्यादा अटैच रह सकते हैं पाइल नंबर वन के लोग। लेकिन जब आपकी बारी आएंगी तो डेफिनेटली आपको बेहद प्यार करने वाले रहेंगे। ठीक है, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, कभी भी आपको वो अकेलापन महसूस नहीं कराएंगे, या फिर अगर आप अकेले भी रहते हो तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। ओके, उनका साथ हमेशा आपके लिए रहेगा, आपके लिए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी मुश्किलात आएंगे आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे हर एक सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हर एक चीज़ का ना सामना करो आफ्टर मैरिज, वो आपके साथ वो भी उसी तरह से इक्वली
सामना करने वाले हैं। डेफिनेटली आफ्टर मैरिज काफी ज्यादा मुसीबतें आती है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ वो भी उस लड़ाई में शामिल रहेंगे। आपको ढेर सारे गिफ्ट्स देना उनको पसंद रहेगा, आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना उनको बेहद पसंद रहेगा, ओके, क्योंकि काफी ज्यादा मच्योर्ड वो रहने वाले हैं, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, लॉयल रहेंगे, आपको बच्चे की तरह ट्रीट करना, आपको गिफ्ट्स देना, बुकेज देना, फ्लावर्स देना, ये उनको बेहद पसंद आएगा, ठीक है। आपको ड्रेसिंग्स देना, ड्रेसेस गिफ्ट करना या फिर ज्वेलरी देना, तो ये सारी चीज़ें उनको देने में पसंद आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीनों भी कार्ड कप्स के हैं, तो कप्स मतलब शेयरिंग इमोशंस, ओके, शेयरिंग गिफ्ट्स, तो शेयरिंग गिफ्ट्स भी रहेगा, इमोशंस भी वो शेयर करेंगे आपसे, ओके, तो आपसे कुछ भी चीज़ें छिपाएंगे नहीं, कुछ भी चीज़ों की पर्दा नहीं रखेंगे। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी रहेगी, ओके, आपके लिए प्यार तो भर भर के रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप जो कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट फैक्टर आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेगा। तो नेचर वाइज आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रहने वाले हैं, वो कभी आपसे चीट नहीं करेंगे, हमेशा आपके प्रति लॉयल ही रहेंगे, वो आप में, ओके, आप में एक मदरली एनर्जी देखेंगे वो, ओके, माँ की एनर्जी देखेंगे आप में। इसके वजह से मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि वो माँ से अटैच रहेंगे, और वो जो मदर की एनर्जी होती है वो आप में भी महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कभी भी दूर नहीं करेंगे, आपको हमेशा करीब ही रखेंगे, ओके, कभी आपसे धोखा नहीं करेंगे पाइल वन के लिए, ठीक है, क्योंकि आप में भी वो माँ को तलाश करेंगे। तो पाइल वन के जो फीमेल व्यूवर्स रहेंगे, हो सके तो शादी के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस की मम्मा को प्यार करिए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस मम्मा से क्लोज रहेंगे, ठीक है, वो कैसे भी रहे, उनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन आपको उनके मम्मा को प्यार करना है, क्योंकि आप में भी वो मम्मा की खोज करने लगेंगे, ठीक है, अच्छा खाना बनाइए, ऐसा उनके मन के खिलाफ ना बनाइए, ओके, तो उनकी मम्मा जैसी है वैसे ही आप करने की कोशिश तो कर सकते हो। डेफिनेटली हम उनके मम्मा की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 1%, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी रहेगी, इंटेलिजेंट बंदे रहेंगे, उनको नॉलेज गेन करना, लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा, किसी के लिए इनजस्टिस होता हुआ कभी नहीं देखेंगे, स्पेसिफिकली आपसे रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ इनजस्टिस होता है, आपके खिलाफ कोई एक शब्द भी कहता है तो वह बिल्कुल भी सुन के नहीं लेंगे, ठीक है। आपको घुमाना, आपको शॉपिंग ले जाना, आपके साथ इक्वल टाइम स्पेंड करना उनको बेहद ज़्यादा पसंद आएगा, तो आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं कराएंगे, ठीक है, आपके लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे, ओके, घोड़े पे तैयार रहेंगे हमेशा, आपको घुमाने ले जाने के लिए, आपके लिए जो आप जो भी मांगोगे, ओके, वो तो चीज़ें लाकर ही देंगे, लेकिन मांगने से पहले ही वो चीज़ आपके सामने हाजिर कर देंगे, ऐसे वो पर्सनालिटी रहेंगे, ऐसे वो बंदे आपके फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल उनका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन पार्ट जो है उनके नेचर में रहेगा, ओके, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, फायरी एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी गाइस, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। हो सकता है लुक्स थोड़े से फेमिनाइन की तरह हो, हाथ थोड़े से फीमेल्स की तरह हो, बर्ताव थोड़ा सा, नेचर भी उनका फीमेल्स की तरह, मतलब एक यू नो लविंग केयरिंग नेचर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कहा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, ओके, तो आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहोगे उनके मम्मा की तरह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मा को ही प्यार करेंगी, लेकिन आप में वो मम्मा की खोज करेंगे,
आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो आपको उनके मम्मा को भी प्यार करना है जब आप उनसे शादी करोगे, ठीक है। लॉयल तो रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ट्रस्टवर्थी रहेंगे, बहुत ही प्यार करने वाले पर्सन रहेंगे। आपको भी समझ के लेना है उनको, ओके। उनको कभी भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप उनको हर्ट करते हो, कुछ बुरा भी कहते हो, तो वो रो पड़ेंगे, ओके। तो ये कुछ उनके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि वो रो सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मेल पर्सन रहते हैं वो रोते नहीं हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस रोएंगे अगर आप फीमेल वीवर हो तो, ठीक है। फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली फीमेल्स तो रोएंगी ही रोएंगी, ओके। लेकिन अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो यस, वो भी रोने वाले पर्सन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, उनको हो सके तो हर्ट ना करिए, ओके। उनका दिल ना दुखाइए किसी भी चीजों से रिलेटेड, ठीक है। That's all pile one. तो ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा। ओवरऑल हमने यहाँ पे उनका नेचर जानने की कोशिश करी है। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। अगर 1% भी रेजोनेट होता है गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हो और अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हो, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पाइल टू, तो अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किए हैं या चूज करी है और इसमें आपके बर्थ डेट से, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, ओके। उनका नेचर कैसा रहेगा आपकी तरफ, आपके लिए कैसा नेचर रहेगा, ओके। तो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज बताइए पाइल टू के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ओवरऑल नेचर बताइए उनके फ्यूचर स्पाउस का कैसा रहेगा, ओके। फाइव ऑफ वॉन्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से पाइल वन के लिए भी था गाइस। Nine of Wands, Magician, Page of Cups. Bottom है Queen of Swords. Okay. So pile two. पाइल टू के लिए जैसे कि कार्ड्स निकले हैं गाइस, कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा। पहली बात बता दूं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनती पर्सन रहेंगे, ओके। अपने मेहनत के बलबूते पे, मेहनत से और बलबूते से आप उन्होंने सारी चीज़ हासिल करी रहेगी, ओके। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड पर्सन रहेंगे, ठीक है। मच्योर्ड इन द सेंस में ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ओल्ड रहेंगे, नहीं, विचारों से काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड रहेंगे, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना सक्सेस पाने के लिए मशक्कत करी रहेगी, ठीक है, अपने पास्ट में, और इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड थिंकिंग के रहेंगे। फिनेंशियली बेहद स्ट्रांग रहेंगे, वो रिच पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं गाइस कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ये काफ़ी लॉयल पर्सन रहेंगे, ठीक है। विचारों से भी मच्योर्ड हो सकते हैं वो, ठीक है, और डेफिनेटली थोड़े से मच्योर्ड भी हो सकते हैं एज वाइज भी, लेकिन मुझे विचारों की मच्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। पैसों से डील करना, पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना, तो ये सारी चीज़ें उनमें आती रहेगी। तो वो लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यस, वो लॉयल रहेंगे, ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि लॉयल नहीं रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और जब भी आपको देखेंगे तो डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, वो आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, आपसे तुरंत शादी कर लेंगे। हो सकता है आप लोग शुरुआत में ऑनलाइन उनसे बात करें, ऑनलाइन उनसे चैट करोगे, ओके। जैसे जैसे आप
को वो जानने लगेंगे, डेफिनेटली वो आपसे शादी कर लेंगे। थोड़े से पजेसिव भी हो सकते हैं गाइस आपके लिए, पाइल नंबर टू के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से पजेसिव हो सकते हैं। थोड़े से बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ओके। ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, पजेसिव हो सकते हैं, और मैंने जैसे कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा मच्योर पर्सन रहेंगे, वेल सेटल पर्सन रहेंगे, उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे रहेंगे, बहुत झगड़े करे रहेंगे उन्होंने लाइफ में सक्सेस के लिए, ओके। लेकिन जब आप उनके लाइफ में आओगे ना गाइस, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और वो ऐसे पर्सन रहेंगे कि आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपके लिए वो पूरी दुनिया से भी झगड़ा कर सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी उनकी रहेगी। आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। अगर आपकी फैमिली मना करती है तो डेफिनेटली उनसे भी झगड़ा करके आपको पा लेंगे, ठीक है। पहला ही कार्ड फाइव ऑफ वॉन्स आया है, तो डेफिनेटली आपको पाने के लिए हो सकता है वो आपके फैमिली से झगड़ा करें या फिर उनके फैमिली से भी झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही चोट खाए हुए पर्सन रहेंगे, आपके लिए बहुत ही पेशेंस करा रहेगा आपको पाने के लिए उन्होंने, तभी जाके वो हासिल कर लेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये उनकी क्वालिटी रहेगी गाइस की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। जाने अनजाने वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे और वो आपको फाइनली हासिल भी कर लेंगे। तो हासिल करने के यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं, झगड़ा करके हासिल कर लेंगे आपके फैमिली से, उनके फैमिली से, आपका वेट करके वो हासिल कर लेंगे, या फिर आपको मैनिफेस्ट करके हासिल कर लेंगे, ठीक है। तरीका कोई भी हो लेकिन आपको हासिल तो कर लेंगे, ठीक है। और जब वो हासिल करेंगे आपको या फिर आपसे शादी कर लेंगे, हासिल इन द सेंस शादी कर लेंगे, ओके, टाइम पास नहीं करेंगे, आपसे बतौर रीति रिवाज से ही शादी करेंगे, और आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपके खिलाफ कोई आवाज़ भी निकालेगा तो डेफिनेटली उनके लिए लड़ गुजरेंगे। वो आपको प्यार से रखेंगे, आपके सामने हो सकता है थोड़ा सा चाइल्डिश रहे, ओके। पाइल टू के जो व्यूवर्स है, आपके सामने थोड़े से चाइल्डिश रह सकते हैं, या फिर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप थोड़े से ओल्डर हो सकते हैं, वो थोड़े से यंगर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्यार तो आपको बेहद करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मस्तियाँ मुझे ऐसे दिख रही है, थोड़े से मस्ती कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा चिढ़ाना, बार बार टॉन्ट करना, ऐसे ऐसी उनमें हरकतें रह सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझे कि वो बच्चे रहेंगे, नहीं, मच्योरिटी बहुत रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स देखे होंगे अपने लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करके वो आगे बढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने आएंगे तो थोड़े से बच्चे जैसी हरकतें वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाइल टू के लोग, मुझे ये भी दिख रहा है, पाइल टू के जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ये उनके मामा के क्लोज रह सकते हैं, ओके। हो सकता है उनके मामा के क्लोज रहे, ठीक है। तो या पाइल टू के व्यूवर्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि मैंने जैसे पहले बताया कि फिनांशियली आपके पर्सन जो है स्ट्रांग भी रहेंगे, मच्योर्ड रहेंगे, थोड़ी सी मदरली एनर्जी भी उनमें रहेगी, ओके। कैरिंग नेचर हो सकता है, थोड़े से ब्लंट नेचर भी हो सकता है, गुस्सेल पर्सन भी हो सकते हैं वो, ओके। थोड़े से स्लाइटली बोल रही हूँ मैं, ओके, स्लाइटली, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया कि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करी रहेगी सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। उन्होंने लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स भी देखे होंगे, फिनांशियली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, हो सकता है इसके वजह से ही अगर आप उनके काम में डिस्टर्ब करते हो, बाधा बनते हो, तो डेफिनेटली आपको वो ब्लंटली जवाब देंगे, ठीक है। हाजिर जवाबी पर्सन रहेंगे वो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे पाइल नंबर टू के जो व्यूवर्स है, आपके फ्यूचर स्पाउस हाजिर जवाबी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मारेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो भी बोलेंगे सोच समझ करके बोलिए उनसे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अपफ्रंट जो भी बोलेंगे अपफ्रंट बोलेंगे, उनके बोलने का अंदाज थोड़ा सा अपफ्रंट रहेगा, ओके, खुलेपन से बात करेंगे, ओके, तो आपको हर्ट हर्ट करके नहीं लेना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्लंट लोग होते हैं, ठीक है, तो ब्लंटली बोलेंगे लेकिन उनके मन में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपके लिए प्यार तो रहेगा ही रहेगा गाइज, उसमें कोई दोहराहे नहीं है, वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने वाले हैं, अपने फैमिली से लड़ेंगे, आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आती है उनका डट के सामना करेंगे, आपको कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती है, इतने इतने सक्षम पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि थोड़े से नुक्स हो सकते हैं कि थोड़े से हाजिर जवाबी पर्सन रह सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, प्यार तो उतना ही करेंगे, आपके सामने बचपना भी करेंगे, आपको चिढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मजाक में ही रहेगा गाइस, ओके, आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करके उन्होंने पाया होगा, ठीक है, ये जान लीजिए आप, हो सकता है उन्होंने आपके लिए मन्नत मांगी हो, भगवान से प्रे किया होगा या फिर मैनिफेस्ट करा होगा आपको, ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी उनके पास रहेगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स उन पे हमेशा ही रहेगी, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ठीक है, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी है, बहुत ही लॉयल पर्सन रहेंगे, लॉयल के साथ साथ आपको फीमेल का प्यार भी देंगे, मतलब एक फेमिनाइन पार्ट भी उनमें रहेगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन पार्ट उनमें रहने वाला है, तो बैलेंस्ड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस, ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी है, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे आपके लिए, पाइल नंबर टू के लिए, दैट्स ऑल पाइल नंबर टू, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसे रहेगा आपके लिए, आई होप ये ऐप से रेजोनेट करेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।